नमस्कार। मंच पर उपस्थित अत्यंत अध्ययनशील, मेधावी, ऊर्जावान, तेजस्वी लोक नेता और जो थान लेते हैं उसे पूर्णत्व की ओर ले जाने वाले, जो निश्चय कर लेते हैं उसे पूर्ण करके ही रहने वाले कलाकारों के और कलाकारों की कला को हृदयपूर्वक प्रेम करने वाले ऐसे महाराष्ट्र के हमारे सबके लाडले प्रखर राष्ट्रवादी उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे फेटर्निटी के इस चित्रपट जगत के पुरोधा, हम सबके आदर्श और अभिनय सम्राट ऐसे आदरणीय अनुपम खेर जी, आदरणीय परेश रावल जी, और जिनकी बदौलत सिंटा, मतलब जिन्होंने नींव में इतनी अपनी समर्पण की संविधा डाली है, ऐसे हमारे पूर्व प्रेसिडेंट और अभी सीनियरिटीज वेलफेयर ट्रस्ट के ट्रस्टी और सबके लाडले जॉनी लीवर साहब, इस विधानसभा की कार्य सम्राट जो कार्य हाथ में लेती हैं उसे पूरा ही करती हैं, और ये मार्ग का संकल्प जिस दिन से लिया है उस दिन से जो बैठी भी नहीं है, ऐसी यहाँ की लोकप्रिय नेता और आमदार श्री और हृदय सम्राट डॉक्टर नीतू मांडके जी को कौन नहीं जानता, पूरा भारतवर्ष जानता है। वो अलका नीतू मांडके जी बाद जिन्हें मैं प्यार से काकू कहता हूं, वृषाली गोखले जी, और हमारी सिंटा की सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट की चेयरपर्सन और सदाबहार अभिनेत्री प्रीति सप्रू जी, और उपस्थित सिंटा के सारे पदाधिकारी, ईसी मेंबर्स और सिंटा के सारे सदस्य, और यहां उपस्थित डॉक्टर नीतू मांडके जी और नट सम्राट नट श्रेष्ठ श्री विक्रम गोखले जी पर प्यार करने वाले ऐसे रसिक दर्शकों को मैं वंदन करता हूं। कृपा करके इस दरवाजे को प्लीज बंद करें, धन्यवाद। मैं दो चीजें यहाँ पर प्रमुख रूप से प्रास्ताविक संबोधन के लिए यहाँ खड़ा हूँ सिंटा के प्रेसिडेंट के नाते। आज दुग्ध शर्करा योग है, लेकिन उससे पूर्व 26/11 जिसे कौन नहीं जानता, आज उस आतंकवादी हमले को, इस भारत के ऊपर किए गए युद्ध को 15 वर्ष पूर्ण हुए हैं जिसमें असंख्य लोगों की जानें चली गई, और असंख्य लोगों की जानें बचाने वाले हमारे पुलिस दल के नौजवान जवान जिन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया, ऐसे सारे पुलिस के जवानों को और जिन लोगों की इसमें जानें चली गई हैं उन्हें मैं सश्रद्ध और श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उन्हें नमन करता हूं उनकी स्मृति। आज दुग्ध शर्करा योग ये है कि दो हृदय सम्राटों का उनके नाम की, एक हृदय सम्राट डॉक्टर नीतू मांडके जी जिनके चौक का उद्घाटन हुआ, और दूसरे हृदय सम्राट जो अभिनय के द्वारा दर्शकों के दिलों में, दर्शकों के हृदय के सम्राट बन चुके ऐसे नट श्रेष्ठ श्री विक्रम गोखले मार्ग का उद्घाटन, ये
आपके अमृत योग है, ये हृदय योग है, ऐसा भी मैं कहूंगा। और दोनों पार्ले कर रहे हैं हमारे, दोनों प्रखर राष्ट्रवादी, दोनों तत्वनिष्ठ, और दोनों को मैं बचपन से जानता था। तो ऐसे दो विभूतियों का, दोनों हृदय सम्राटों के नाम का एक चौक और एक मार्ग, विक्रम गोखले मार्ग का उद्घाटन हमारे उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस जी के करकमलों द्वारा हो रहा है, यह हम सबका सौभाग्य है। नट सम्राट विक्रम गोखले, विक्रम गोखले, इनके बारे में मैं कहूं ये बहुत ही छोटे मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन अत्यंत संवेदनशील इंसान, एक तत्वनिष्ठ, कर्तव्य परायण और समर्पण भाव, ये सब उनमें भरा हुआ था। अपने चतुरस्त्र अभिनय के माध्यम से उन्होंने सामान्य लोगों से लेकर जानकार दर्शकों के हृदय में अपनी एक विशेष जगह बनाई। उनको मैं ऐसा कहूंगा कि हर एक व्यक्ति का गोत्र होता है, हर एक व्यक्ति का एक कुल होता है, तो मैं ऐसा कहूंगा कि नटत्व गोत्र के और अभिनय के कुल के ऐसे नटश्रेष्ठ विक्रम गोखले हैं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि क्योंकि उनकी परदादी दुर्गाबाई कामत, जिनके ऊपर अभी एक फिल्म आ रही है, परदादी मैं बात कर रहा हूं, सर भारत की सर्वप्रथम महिला कलाकार थी चित्रपटों में काम करने वाली। उनकी दादी कमलाबाई गोखले, वो भी चित्रपटों में काम कर रही थी। दुर्गाबाई ने तो चित्रपट महर्षि दादा साहब फाल्के जी की दूसरी फिल्म महिषासुर मर्दिनी में पहली बार रोल किया था। उसके बाद विक्रम गोखले जी के पिताश्री भी अभिनेता थे, विक्रम गोखले के दादा दादी अभिनेता अभिनेत्री थे, और चंद्रकांत गोखले, जिन्हें कौन नहीं जानता, एक लेजेंडरी अभिनेता, बहुत ही सात्विक अभिनेता, जिसे हमारे नाट्य शास्त्र में कहते हैं कि सात्विक अभिनय किसे कहते हैं, तो मूर्तिमंत सात्विकता का प्रतीक यदि कोई हो तो वो है चंद्रकांत गोखले, उनके पुत्र। तो अभिनय अपने क्या बोलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने डीएनए में लेकर जन्मे थे, और इसलिए मैं गोत्र और कुल, अभिनय और नटत्व कहता हूं। तो विरासत में मिली इस अभिनय की विरासत को विक्रम जी ने अपने सशक्त अभिनय से बहुत ही अटूट समर्पण भाव से मजबूत किया और लोगों के हृदय में जगह बनाई। उनके नाटक बैरिस्टर, मैंने तो पारायण किए हैं बैरिस्टर के, यहां बैठे हुए सारे पूर्वधाओं को बैरिस्टर नाटक के बारे में पता होता, होना ही चाहिए और होगा ही। ये जब नाटक होता था तो इंटरवल में खड़े होने की किसी दर्शक की हिम्मत नहीं होती थी, इतना प्रचंड अभिनय। जसवंती, ऐसे कई नाटक जिन्होंने रंगमंच का एक आयाम ही बदल दिया था, उड़ान विरुद्ध, विक्रम और वेताल, और सैकड़ों ऐसी बेहद लोकप्रिय धारावाहिक, हम दिल दे चुके हैं सनम और अग्निपथ, स्वीकृत, नट सम्राट, ऐसी हिंदी मराठी और कई गुजराती फिल्में। विक्रम जी ने हर माध्यम में अपने अभिनय का सिक्का बहुत ही बखूबा निभाया, और इसलिए अभिनय के वो अनभिषक्त सम्राट हैं, और सभी राष्ट्रीय पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित भी किया गया है। इसलिए मराठी में एक कहावत है, या समहा, इसके जैसा दूसरा कोई नहीं। उस विक्रम गोखले जी को, उनकी स्मृति को हम सब प्रणाम करते हैं। मैं मेरा एक संवेदनशील प्रसंग कहूंगा और मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा। 2001 में
मैं ब्रेन स्ट्रोक से बीमार था, मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा था। मेरा बोलना, मेरा देखना, मैं अंधा हो चुका था। सवा महीने में हॉस्पिटल लीलावती में था। मेरी सारी जमा पूंजी बैंक बैलेंस जीरो हो चुका था। और उस समय एक प्रचंड अभिनेता जिनके साथ केवल दो तीन सीरियल लिखी थी मैंने, और वो मुझे जानते थे, वो हॉस्पिटल में आए। मेरा आत्मविश्वास मैं खो चुका था, मैं खड़ा नहीं हो पाता था, मेरी हिलचाल बंद हो चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं वापस दोबारा इस जीवन में भी प्रवेश कर पाऊंगा। वाय, और मैं रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा। उन्होंने मेरी बाह पकड़ी। अरे काका, मला नहीं वाटत कि मैं परत उभा रही, मला नहीं वाटत मेरे आयुष्य से काय होईल, मेरे जीवन का क्या होगा, मुझे नहीं पता। उन्होंने मेरी बाह पकड़ी, मेरे कंधे को दबाया। घाबरू नकोस, डरो मत, उस आत्मविश्वास को पकड़ के रखो। मैं खुद, मेरा कंधा गया था, 5 साल किसानी करने गया था अभिनय छोड़ के, वहां से वापस आया हूं, तो वापस उठेगा। और जो आज है ना, उससे भी 10 गुना 1000 गुना बढ़कर काम करेगा, ये मेरा विश्वास है। इतना अच्छा काम किया कि अगर मैं उसकी 10% भी सिंसेरिटी या परफॉर्मेंस लेकर आया तो मुझे अच्छा लगेगा। तो वो थोड़ा लंबा पॉज हो गया, मैंने कहीं मुझसे एग्री कर रहे हैं तो बोले कि नहीं, आपने मुझसे अच्छा किया होगा, बिकॉज आपने ज़्यादा सटल किया होगा। बादशाह आप हैं, इट्स वंडरफुल। सेंटा की इस उपलब्धि के लिए, आपने जिन लोगों के नाम के लिए, आज मैं और परेश आपकी कहानी पूरी सुन रहे थे, कैसे आपने अलग अलग जगह जॉनी लीवर जी, आपने अलग अलग जगह मिथुन जी के साथ, अमजद जी के साथ मिलकर काम किया और इस बिल्डिंग को इकट्ठा किया, और इस बिल्डिंग का करेक्ट इसके सामने वाली रोड जो है वो एक महान कलाकार के नाम से ही हो सकती थी, एक्टर्स की एसोसिएशन, पॉपुलर एक्टर नहीं, महान एक्टर होना चाहिए। देवेंद्र जी, आप आए और हमारे बहुत सारे, ये मौका नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एस्टैब्लिश्ड एक्टर हैं जिनको रोज़ काम मिलता है, उनको तो बहुत काम मिलता है और वो अपने, मगर ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो सिंटा के मेंबर्स हैं, जिनको महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार जॉनी भाई बता रहे थे काम मिलता है हमको। जिस तरह से जो मनोज भाई ने कहा, जो अनुपम जी ने कहा, मुझे उसमें कुछ भी जोड़ना नहीं है। थैंक यू वेरी मच, आप आए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। कहते हैं ना कि खुशी हमारे मन में है तो हम दूसरे को बांट सकते हैं, वैसा ही अभिनय, वैसी ही संवेदनशीलता उनके भीतर थी, जो उनके अभिनय से अभिव्यक्त होती हमको दिखाई देती थी। इसीलिए इतने सालों तक जिस भी फॉर्मेट में उन्होंने काम किया, जिस भी मंच पर वो आए, लोगों के दिलों पर उन्होंने राज किया, चाहे वो नाट्य क्षेत्र हो, चाहे वो टीवी का क्षेत्र हो, चाहे फिल्म का क्षेत्र हो, हर जगह जिस प्रकार से अपना किरदार वो निभाते थे, एक ताकत उनके किरदार के कारण उस फॉर्मेट को भी मिलती थी, और लोगों को जोड़कर रखना। बैरिस्टर की यहां पर बात हुई और बिल्कुल सही बात है कि जिस प्रकार से लोग एक प्रकार से चुंबकीय आकर्षण से उसके साथ जुड़ते थे, ये अपने आप में बहुत कम कलाकारों को इस प्रकार का लोगों का प्यार ये प्राप्त होता है। और अपने अंतिम समय तक उन्होंने एक कलाकार के रूप में
अपना काम कभी छोड़ा नहीं, वो काम करते रहे, लेकिन साथ में उनकी संवेदनशीलता के कारण उन्होंने अपने जो सहयोगी है, कलाकार है, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, इनके लिए जब जब जो जो संभव हुआ वो करने का प्रयास उन्होंने किया। मनोज जी ने उनका स्वयं का अनुभव बताया, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे कलाकारों के लिए, विशेष रूप से ऐसे कलाकार के जो वृद्ध होने के बाद जिनके देखभाल के लिए कोई नहीं है, उनकी व्यवस्था के लिए अपनी जमीन को देना, ये भी मैं ऐसा मानता हूं कि उनकी संवेदनशीलता का ही परिचायक है। और जैसा उनके बारे में बताया गया दुर्गाबाई कामत से लेकर, तो चौथी पांचवी पीढ़ी में जिस प्रकार से कला के प्रति एक समर्पण भाव हमको देखने को मिलता है, निश्चित ही ऐसे लोग जब हमारे बीच से जाते हैं तो एक ऐसी वैक्यूम हमारे लिए छोड़कर जाते हैं कि जिसको कोई भर नहीं सकता। और मैं तो हमेशा ये मानता हूं कि दुनिया भले ही चलती है, लेकिन कुछ व्यक्ति अपनी ऐसी छाप छोड़कर जाते हैं कि समय समय पर महसूस होता है कि वो होते तो क्या होता। उस प्रकार की छाप हम पर विक्रम गोखले जी ने छोड़ी है। बहुत प्रखर राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रीय विचारों से प्रेरित थे, और अपनी बात को बेबाकी से कहते थे। अपनी बात को कहने के लिए उन्होंने उसके परिणाम का विचार कभी नहीं किया। और मुझे भी कई बार उनसे मिलने का मौका मिला, उनसे बातचीत का मौका मिला, उनके सानिध्य का मौका मिला, तो एक प्रकार से एक वार्मअप, एक गर्माहट जो उनके व्यक्तित्व में थी वो आपको उनके साथ जोड़ती थी, वार्मथ एकदम आपको पकड़ लेती थी। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी के कारण मैं नहीं मानता कि इतने सालों के उनके करियर में एक भी व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जो उनके बारे में बुरा बोलेगा, जो मिलेगा उनके बारे में अच्छा मिलेगा। और आज मुझे खुशी है कि अनुपम जी जैसे, परेश रावल जी जैसे, जॉनी लीवर जी जैसे, प्रीति जी जैसे, सारे जो बड़े कलाकार हैं, वे सारे के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, और सारे के सारे लोग इंडस्ट्री के बाकी जो लोग हैं जिन तक शायद संसाधन नहीं पहुंचते हैं उनका विचार कर रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से आपको आज के इस मौके पर मनोज जी इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो बातें आपने रखी है उन बातों में हम लोग भी जिस प्रकार से सहभागी हो पाएंगे, उसमें जो कुछ हम कर पाएंगे तो करने के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से उस संदर्भ में हम लोग चर्चा भी करेंगे। आज डॉक्टर नीतू मांडके जी के भी नाम से एक चौक का उद्घाटन हुआ है, और हम सब लोग जानते हैं कि देश के जाने माने हार्ट सर्जन के रूप में उनकी ओर देखा जाता था। और जिस समय हमारे देश में हार्ट सर्जरी चंद लोग किया करते थे, ऐसे समय जिनको नंबर वन हार्ट सर्जन माना जाता था उनमें से नीतू मांडके जी थे, और सेवा और समर्पण के भाव से काम करते थे। एक बहुत बड़ी हार्ट इंस्टीट्यूट तैयार करने का कि उनकी मंशा थी,
किंतु बहुत ही कम उम्र में और अचानक हमारे बीच से वो चले गए और आज उनकी भी याद हम लोग ताजा कर रहे हैं। मैं हमेशा मानता हूं कि हम कभी किसी का नाम चौक को देते हैं, कभी किसी रास्ते को नाम देते हैं, इसका परिणाम क्या है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि उनकी स्मृतियां ये हमें प्रेरणा देती है और जो अच्छा है वो अगर हम समाज के सामने लाए तो समाज में अच्छा करने की प्रेरणा होती है। इसलिए समाज में जो सकारात्मक लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, इनकी स्मृतियों का जतन करते हुए उनकी लीगेसी को पास ऑन करना ये बहुत आवश्यक है, तभी समाज सकारात्मक तैयार हो सकता है। और मैं समझता हूं कि आज का कार्यक्रम भी वही है। जिस प्रकार से विक्रम गोखले जी ने इस क्षेत्र की सेवा की है, उनसे प्रेरणा लेकर उसी प्रकार की सेवा करने वाले आगे कई लोग तैयार हो, ये इसके पीछे की मंशा है। और ये भी मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत अच्छा सहयोग है कि ये जो सिंडा की बहुत अच्छी बिल्डिंग यहाँ पर तैयार हो रही है, हुई है, इसको आने वाला रास्ता, इसको विक्रम जी का नाम मिलना, ये बहुत ही सुंदर सहयोग है। ऐसा एक प्रकार से हम लोग कहते हैं ना, वी आर ऑन राइट पाथ, तो यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को ये लगेगा कि आई एम ऑन द राइट पाथ। इसलिए मैं बहुत शुभकामना देता हूँ हमारी भारती देवी लवेकर जो यहाँ के MLA है, जिन्होंने ये सारे बहुत अच्छे तरीके से एक लीड लिया है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और इस बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में आपने मुझे निमंत्रित किया, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि इतने बड़े लोगों के नाम से एक प्रकार की स्मृतियाँ तैयार हो और उसके साथ अपना भी नाम जुड़े तो हम भी बड़े हो जाते हैं। आपका भी आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर, आपके शब्दों ने वाकई बहुत प्रेरणा दी। मैं सबसे पहले तो जो आज हमारे खास मेहमान जो सिर्फ विक्रम जी और सिंटा की वजह से आए, मुकेश ऋषि जी, अभिमन्यु, सरगम, बिंदु, माधुरी, दीपक पराशर, मतलब अपना टाइम निकाल के आना, सारे सिंटा मेंबर, भारती जी की टीम, अलका जी, सिंटा की तरफ से, सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से बहुत बहुत आभार। और इस ऑडिटोरियम को जो मैनेज कर रहे हैं संपत सिंह राठौर, जिन्होंने इतनी अजीब सी जगह में एक अच्छा एक डिवाइन स्पेस क्रिएट कर दिया है, कुंभी थिएटर और वेदा फैक्ट्री और संपत और उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रीति जी, टीना भाई और मनोज भाई के वो फडणवीस जी को थोड़ा फेलिसिटेट करें हमारी तरफ से। हमल धन्यवाद मनोज भाई, धन्यवाद। ऑनरेबल गेस्ट एंड मेंबर्स ऑफ सेंटर,
friends and family and all of you who are here because you loved and respected Vikram ji. Thankful to Devendra ji for making time in his busy election campaigning schedule, different states. I don't know how he manages it, but he took time to come, and with so many engagements today because of Sharif ji also, he managed to take out time for this occasion. I'm also grateful to the government of Maharashtra for conferring this honor to my husband, and last but not the least, all those who worked and helped in achievement of this day. I'm happy that the road to Sinta Tower will be permanently associated with my husband's name, as it was an institution which was very close to his heart and for which he worked diligently and with great fervor. Thank you again for your presence and for honoring him on his first death anniversary. Thank you very much. Vikram ji aur Sinta ki wajah se I am Mukesh Rishi ji, Abhimanyu, Sargam, Bindu, Madhuri, Deepak Parashar. Matlab apna time nikal ke aana, sare Sinta member, Bharti ji ki team, Alka ji. Sinta ki taraf se, Sinatis Welfare Trust ki taraf se, bahut bahut aabhar. Aur is auditorium ko jo manage kar rahe hain, Sampat Singh Rathod, unhone itni ajeeb si jagah mein ek acha ek divine space create kar diya hai. कुंभी थिएटर और वेदा फैक्ट्री और संपत्त एक मिनट चुप कर जाए. अरे बात कर रहे हैं, बैठ ले रहा हूँ. साइलेंस प्लीज. बहुत ही प्राउड फीलिंग है कि आपके डेप्टी सीएम ने को आपने अवार्ड दिया है और जॉनी जी को भी दिया है. ही इज़ ऑल्सो, उनका भी बहुत योगदान है इस बिल्डिंग में. और परेश जी, अनुपम जी, इनको अवार्ड देते हुए बहुत अच्छा लगा मेरे को. ख़ास करके डेप्टी सीएम जी को जब अवार्ड दिया, आई फेल्ट वेरी प्राउड, वेरी वेरी प्राउड. थैंक यू सो मच सर. आज विक्रम गोखले मार्ग का उद्घाटन हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहें? हाँ, मतलब जितना कहूँ वो शायद कम है, पर एक बात ये है कि एक महीने दो दिन पहले सिंटा टावर का उद्घाटन हुआ था, जिसमें विक्रम जी का बहुत बड़ा योगदान था. विक्रम जी हमारे पास प्रेजेंट थे 2017 से 2022 तक, और उसके बाद भारती लवेकर जी, प्रीति सप्रू जी, देवेंद्र फडणवीस जी, विनोद तावड़े जी, आशीष शेलार जी, इन सब की मदद से और इकबाल सिंह चहल जी की मदद से ये जो मार्ग है, ये विक्रम मुखी जी के नाम पर बना है, जिनका कंट्रीब्यूशन खासतौर से मुंबई, महाराष्ट्र, हिंदी, गुजराती, मराठी रंगमंच, टेलीविज़न, फिल्म्स, अब OTT प्लेटफॉर्म पे भी अवरोध में भी वो थे, और एक प्रेरणा का स्रोत थे, एक सेल्फलेस आदमी. उन्होंने जाने से पहले सिंटा के कलाकारों को, वृद्ध कलाकारों को, मुंबई मराठी चित्रपट महामंडल के मराठी कलाकारों के लिए अपनी ज़मीन जो पुणे के नज़दीक है, एक ओल्ड एज होम प्लस रिहर्सल सेंटर और एक लो कॉस्ट फूड की व्यवस्था, ये डोनेट करके गए हैं. और एक ऐसी लेगेसी छोड़ के गए हैं, बिकॉज जब हम दारा जी, दत्त साहब, आशा जी, जॉन लीवर साहब, मिथुनदा, इनकी लेगेसी, ओमपुरी जी, इनकी लेगेसी को विक्रम जी ने एक बहुत अलग स्तर पर पहुंचाया था, जिसकी वजह से आज सिंटा, सिनेटिस वेलफेयर ट्रस्ट, सिंटा के कलाकार हमारे को आज गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक रिस्पेक्टबिलिटी मिली है, एक इज्जत मिली है. और मतलब हमारे लिए तो एक इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरी सिंगल परफॉर्मर इन द कंट्री. एंड बस उनकी लेगेसी को आगे ले जाना है, और जो मेहनत हमारे प्रीडेसेसर ने की थी, जो विक्रम काका ने की थी, उसको बस आगे ले जाना. सर, आज विक्रम गोखले मार्ग का उद्घाटन हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? आज नटक श्रेष्ठ श्री विक्रम गोखले मार्ग का उद्घाटन हुआ है, और वो भी महाराष्ट्र के
बहुत ही तेज तर्रार और प्रतिभाशाली, बहुत ही अपनी कार्य प्रणाली के लिए जाने वाले ऐसे हमारे महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। इस मार्गी का जो कोकिला बेन अम्बानी हॉस्पिटल से जो जाती है गरीबपुरी, और एक चौक डॉक्टर नितुमान की चौक, तो हमारे दोनों जो हैं वो हृदय सम्राट थे। एक लेकिन डॉक्टर नितुमान के बहुत पहले, जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब लोगों के हृदय को यदि कुछ भी हो जाता था तो उनके हृदय का ऑपरेशन करके उनको जीवनदान देते थे, ऐसे हृदय सम्राट। और विक्रम गोखले साहब जिनके मार्ग का नाम के मार्ग का उद्घाटन हुआ, वो भी दर्शकों के दिलों पर राज करते थे, दर्शकों के हृदय में राज करते थे, ऐसे हमारे विक्रम गोखले साहब जो संस्था के प्रेसिडेंट रहे हैं। और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ थे, कर्तव्यपरायण थे, और आर्टिस्ट के लिए हमेशा दिन रात वो चिंतित रहते थे, अपनी संवेदनशील थे। तो उनके नाम पर जब मार्ग का नामकरण होता है तो बड़ा आनंद होता है। और हम सबको, सिंटा को, सिंटा के सारे पदाधिकारियों को, सिंटा के मेम्बरों को और सारे कला जगत के लिए ये एक बड़ा मंगल और अद्भुत अवसर है। और बस उनकी कार्यप्रणाली से, उनकी अभिनय प्रचंड शक्ति से और उनके समर्पण भाव से प्रेरित होकर हम भी हमारा जीवन जो है वो मार्गस्थ करें, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और फिर से एक बार विक्रम गोखले जी की पवित्र स्मृति को वंदन करता हूँ। धन्यवाद। एक पकड़ना बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे एक बहुत ही महान कलाकार का आज उन्हें ये सम्मान मिला है कि उनके नाम से ये रोड हुआ है। और स्पेशली क्योंकि वो हमारे प्रेसिडेंट भी थे सिंटा के, और उनको मतलब ये टावर जो बनी है जिसमें बहुत सारे कलाकार, आप देख सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन को खड़ा करने हमारे बहुत सारे कलाकारों की इसमें कंट्रीब्यूशन रही है। बहुत सब हमसे पहले बहुतों ने काम किया है, हमारे बाद भी बहुत काम करेंगे सब। इस ये लाइन के जो होते हैं लोग वो बड़े इमोशनल होते हैं और अपनी ये कम्युनिटी के लिए सब कोशिश करते हैं कि हम जितना भला कर सकें हमें करना चाहिए। और विक्रम गोखले जी वन पर्सन थे जो मतलब आप सोच सकते हैं कि मैंने तो ऐसा पहली बार सुना है, हम गवर्नमेंट से लैंड दिला देते हैं, ये सब तो करते हैं हम लोग इंस्टीट्यूशंस के लिए, एनजीओस के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से, दौलत से ज़मीन दे देना मराठी चित्रपट को और सिंटा को, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की है। तो ये डिज़र्व करते हैं, वो डिज़र्व करते हैं कि ये रोड सिंटा की जो है उनके नाम पर होनी चाहिए थी और हो गई है। मैं धन्यवाद करती हूँ भारती लावेकर जी का जो इस एरिया की कॉन्स्टिट्यूंसी की MLA हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ के ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है और फडणवीस जी को यहाँ बुलाया इस प्रोग्राम के लिए। फडणवीस जी हमारे ऑनरेबल डिप्टी CM, मैं तो मेरे लिए तो CM है, तो मैं ये कहूँगी कि उनके आने से इस प्रोग्राम को बहुत और आर्टिस्टों को बहुत हौसला अफजाई हुई है और इसका श्रेय भी भारती जी को जाता है। एंड मैं समझती हूँ कि मिसेस विक्रम गोखले जी के लिए भी ये बड़ा प्राउड मोमेंट है ना, कि उनके पति ने जो सेवा की है आर्ट फील्ड में, उसका उनको आज वो मिला है पूरा जो सम्मान।
तो सब आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब आए और इस प्रोग्राम को आपने कवर किया, क्योंकि हमारा मकसद हमेशा जीवन में ये होना चाहिए कि जिसकी भी अच्छाई है उस अच्छाई का प्रचार किया जाए, ताकि मोर लोग इस काम को करने आगे बढ़कर अच्छे काम करने की, समाज की सेवा करने की वो उनमें क्षमता हो। तो इसीलिए थैंक यू टू यू ऑल एंड मैं विक्रम गोखले जी की फैमिली की तरफ से और भारती ताई हमारी एमएलए की तरफ से आप सबका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। आई जस्ट स्पोक इन माय स्पीच बिफोर आल्सो, थैंकफुल टू ऑल पीपल हु लव्ड हिम एंड रिस्पेक्टेड हिम and thank you to the state of Maharashtra for conferring this honor upon him, and I'm very happy ki the road to Sinta Tower will be led by Vikram Gokhale. He was very 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 close to this institution, worked a lot, especially during COVID time he helped people, all the people a lot, and this was his nature, helping, giving. And you already know what he has done. I don't want to repeat that, because you give by the right hand, left hand doesn't have to know. So that was his nature, and I'm so happy that this is associated with him. Thank you to all of you all and all the media and the press people who covered this event today in spite of the heat. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Proud and privileged to be a part of this organization here and been present here, and what can I say, उनकी बेटी हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ फीलिंग तो है, बट आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट हियर। आई एम प्राउड दैट आई एम हिज डॉटर एंड आई वुड लाइक टू कंटिन्यू द वे ही हैज़ कंटिन्यूड एंड ही विल कंटिन्यू, ही इज नॉट गॉन, ही इज स्टिल विद अस एंड ही विल ऑलवेज रिमेन विद अस। सो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। थैंक यू सो मच। मैम कैसे लग रहा है आपके वजह से आज विक्रम जी का रोड डायरेक्टली सिंटा को लीड करता है? आज बहुत ही खुशी का दिन है और मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ कि मेरे वर्सोवा विधानसभा में विक्रम गोखले जैसे जो महान कलाकार थे उनके नाम से मार्ग बनाया गया और उसका उद्घाटन भी लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी उनके हाथों से हुआ। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है और बहुत अच्छा लगा आज जो प्रोग्राम हुआ। पूरे गोखले फैमिली की भी मैं आभारी हूँ, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सहयोग दिया। सिंटा के सारे कलाकार बहुत ही अच्छे हैं, उनके साथ काम करने में भी मज़ा आया, बहुत खुशी की बात है। और आज डॉक्टर नीतू मांके जी उनका भी चौक का उद्घाटन हुआ देवेंद्र जी के हाथों से, और वो भी बहुत बड़े डॉक्टर थे और दोनों भी महान हस्ती यहाँ पे, उनका एक के नाम से चौक और एक के नाम से मार्ग, तो और वो भी हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों से, तो बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ सबका, धन्यवाद। जो मार्ग बना है यहाँ पे आज आज इसका उद्घाटन देवेंद्र फडणवीस जी के साथ हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत ही भावुक हूँ, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा इमोशनल हूँ क्योंकि एक ऐसा इंसान जिन्होंने खुद की परवाह ना किए बगैर कलाकारों की सेवा के लिए बहुत कुछ अपना समय दिया, योगदान दिया, यहाँ तक कि अपनी एक दो एकड़ ज़मीन भी उन्होंने कलाकारों के लिए सुपुर्द कर दी, जिन्होंने सच्चे मन से कलाकारों की सेवा की। एक उत्कृष्ट कलाकार, इतने बढ़िया कलाकार होने के बावजूद भी छोटे कलाकारों के बारे में हमेशा सोचते रहे, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उनके लिए सबसे ज़्यादा फंड कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। जब हम कहते थे कि विक्रम जी हमारे पास फंड नहीं है, हम बहुतों की मदद करना चाहते हैं लेकिन फंड्स हमारे पास उतने नहीं है, तो अलग 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 चीज़ें करना, गवर्नमेंट से बात करना, कोविड के टाइम पे चीफ मिनिस्टर से बात करना, और कोविड के टाइम पे छोटे कलाकारों को मदद करने के लिए फंड्स इकट्ठा करना, सबके अंदर उनकी तबीयत नासाज होने के बावजूद वो सबके लिए काम कर रहे थे। और आज उनके नाम का रोड जो सिंटा टावर को जोड़ता है ऐसा रोड जब बना, और वो भी जिसका उद्घाटन श्री देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों हुआ, तो गर्व भी लगता है और एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, जैसे पिता का नाम जब बेटा जब देता है
और जिस तरह से जो खुशी होती है वैसी खुशी होती है। थैंक यू सर। विक्रम गोखले का जो देवेंद्र फडणवीस के कारण से आपको कैसा लग रहा है? देखिए, मैं पहले तो देवेंद्र जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने हमारी आज का जो फंक्शन था उसमें वो आए और उन्होंने इतना बेहतरीन बातें की, उन सबके लिए एक मिसाल बन गई। और विक्रम जी की मैं क्या बात करूँ, विक्रम जी के साथ मैंने बहुत काम नहीं किया। विक्रम जी एक इतने बड़े एक्टर थे, आर्टिस्ट थे, इतने बड़े ह्यूमन बींग थे। मैं छोटी सी मिसाल देकर अपनी बात करता हूँ। जब वो कभी भी मीटिंग में, हमेशा संगठन से मैं 30 साल से संस्था से जुड़ा हूँ, जब भी कभी बहुत कम ऐसे प्रेसिडेंट हमारे रहे जिन्होंने आगे बढ़ के कैसे हमारे संस्था के कलाकारों का बेहतर हो सकता उसकी कोशिश होती है। एक बार वो यहाँ ऑफिस में थे तो उनको छुड़वाना था घर मेरे पास, तो हमने कहा था टैक्सी करवा देते हैं, तो छोटी बात लेबर के लिए टैक्सी करवा के घर जाना कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे सिमटा की इससे टैक्सी से नहीं जाना, तो मुझे घर छोड़ दी। तो एक तो मैं उतना प्रिविलेज मैंने महसूस किया कि इतना बड़ा आदमी जो है ऐसे विचार रखता है, तो ऐसे विवेकशील इंसान थे और उनकी बहुत सारी कही हुई बातें हम लोग फॉलो कर रहे हैं और आज ये फिल्म भी बनी है तो कहने के उन्हीं की विशेष है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।